नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 से रिलेटेड। आज से हम एक डे वन, डे टू, डे थ्री करके हम एक सीरीज की तरह लाएंगे आपके सामने, जो कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वैसे छात्र जो कि बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, बीपीएससी 2.0 में जो भी सवाल पूछे गए थे, वो मोस्टली 10 से 15 जो मार्क्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सवाल एनसीईआरटी से ही थे। अगर आप लाइन बाय लाइन अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सवाल कहाँ से थे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको एनसीईआरटी दिखाएंगे कि सवाल कहाँ से थे, बिल्कुल एकदम लाइन। अगर आप इनर लाइन बाय लाइन अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप उसको बना लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन था बीपीएससी 2.0 में, सेट ए का प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। जब हम कंप्यूटर सेक्शन पे आएंगे, कंप्यूटर सेक्शन यानी कि पार्ट थ्री, यहाँ से हमारा पार्ट थ्री शुरू होता है। आप देख रहे होंगे पार्ट थ्री कंप्यूटर साइंस। ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सीपीयू को हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटर 8085, हम अगर इसका इंग्लिश वर्जन ले आते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। यहां से हमारा इंग्लिश वर्जन, यहां देखिए इंटर 8085। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया था। मैं यहां पे आपके सामने, आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक है जो कि क्लास 11th का है। यहां पे अगर आप देखेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन में आपको मैच करा करके दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको था वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सीपीयू। अगला प्रश्न जो था इंटेल 8085, ये देखिए कहाँ से लिए गए हैं पूरे प्रश्न। ये देखिए इंटेल 8085, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंटेल 8085 यहाँ पे है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया था, सेकेंड जनरेशन। इसका आंसर क्या था हमारा, सेकेंड जनरेशन। ये देखिए, ठीक है। अगर हम अगला बात करें, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन में मैक्सिमम साइज जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का था वो कितना था, यह प्रश्न था। यह प्रश्न भी देखिए सेम इसी पेज से है। थर्ड जनरेशन में मैक्सिमम जो साइज है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का, वो हमारा 16 MB का है। ये देखिए यहाँ पे 16 MB, ठीक है। अगला प्रश्न का अगर बात करें, ये प्रश्न सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ये भी प्रश्न अगर आप देखेंगे बिल्कुल लाइन बाय लाइन, तो ये भी प्रश्न जो है हमारा एनसीईआरटी से है। ये देखिए ये जो प्रश्न है, सीपीयू ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। ये देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे, इसका आंसर क्या होना था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू ऑन ए कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, ये प्रश्न था। ये भी प्रश्न देखिए आपका एनसीईआरटी से ही है, माइक्रो कंट्रोलर के सेक्शन से है ये प्रश्न। देखिए, द माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज ए सीपीयू, ए फिक्स अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल और एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली सीपीयू ऑन ए चिप। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या था कि सीपीयू जो है हमारा सिंगल चिप में था, उसको कह रहे थे माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक खुद का अपना कंप्यूटर है जिसके पास, आप देखिए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि एक कंप्यूटर जिसके पास अपना सीपीयू होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ रैम होगा एंड रोम होगा एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे। ये भी सवाल देखिए अगर आप देख रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए गए थे, मोस्टली 71 से 85, 90 के अप्रोक्स प्रश्न, सभी प्रश्न जो थे वो आपके एनसीईआरटी से ही थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करके जाएंगे बीपीएससी 3.0 से, ऐसा मानना है, तो वो बेटर होगा, बेटर अचीवमेंट होगा आपके लिए। ये देखिए,
ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से हैं सभी क्वेश्चंस। आप ये देख रहे 81, 79, 80, 79, 80, 81, ये सभी एकदम सेम टू सेम जो है आपका एनसीईआरटी बुक से। ये देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये एनसीईआरटी में कहाँ से पूछे गए। ये वाला जो सेक्शंस है ये यहाँ से पूछे गए थे। टोटल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, ये सभी प्रश्न जितने भी हैं, देखिए, द ट्रांसलेटर इज टू कन्वर्ट द रिटेन कोड इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। ये भी प्रश्न आए थे, जो कि मैं आपको बताया कि 79, 80 और 81 से में जो सवाल थे वो यहीं से थे। ये देखिए, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीनी कोड, ये भी सवाल थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको जिज्ञासा दे रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, वही आपके लिए बेटर होगा अगले बीपीएससी 3.0 के लिए। और मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 के अकॉर्डिंग आपको बीपीएससी 3.0 का तैयारी कराऊँगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आज हमारा डे 1 है, इसमें नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको मैं जो है अपना नोट्स वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मुझे सुझाव देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला बीपीएससी 3.0 में एक स्टार्टिंग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं कई तरीके वीडियो कंप्यूटर पे बनाया हूँ, ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं, जो कि सीबीएसई 11-12 के लिए है, ठीक है। अंतर क्या था कि जो हम एनसीईआरटी को फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी बुक में आपका पाइथन है, लेकिन पाइथन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको C++ पढ़ना है। यानी कि पहले जो कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, कुछ चैप्टर दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में 11th क्लास में, तो उसके आपको बेसिक फंडामेंटल पढ़ने हैं। प्रोग्रामिंग पाइथन को नहीं देखना है, सिर्फ फंडामेंटल को पढ़ना है और उस फंडामेंटल को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। कुछ ही चैप्टर है जहाँ पे बीपीएससी 3.0 से पूछे जा सकते हैं, बाकी जो है वो सिर्फ पाइथन है, तो पाइथन को आपको टच नहीं करना है, पढ़ना है। अगर हो सकता है दे दे अगले एग्जाम बीपीएससी 3.0 में, लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो भी बीपीएससी ने एग्जाम लिया टीआरई 1.0 2.0 सभी में C++ ही पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। आज से हम शुरू कर रहे हैं डे 1, यानी कि बिल्कुल एनसीईआरटी। तो चलिए, हम सबसे पहले एनसीईआरटी बुक आपके सामने मैं रख दिया हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि चैप्टर 1। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स बनाए तो बनाए कैसे बनाए, नोट्स बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी पॉइंट से ही उठा करके दिया जा सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए, पहला बिल्कुल सिंपल आप जान रहे होंगे, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस एंड जनरेट आउटपुट। देखिए, बीपीएससी कैसे यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन, पहला ए ऑप्शन ए, एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस जनरेट रिजल्ट, इनमें से एक से अधिक, वन और मोर, अगला नन ऑफ दिस एबव। तो इसमें क्या होगा, आप देख लोगे यहाँ पे तीनों पॉइंट है, क्या क्या, इनपुट भी करेगा, ये प्रोसेस भी करेगा, अगला ये आउटपुट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस बन ही गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको देखने होंगे कि कौन कौन से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप पॉइंट वाइज बनाएंगे। अगला, एक कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ से भी देखिए एक सवाल बन गया, क्या कि कंप्यूटर क्या है, किसका एडिशनल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम।
आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आपको आज का पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे अपना सुझाव देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ पे जाकर के मोड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइज ए सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। ये हमारा क्या है, एक सिंपल काम करेगा, क्या क्या, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ये सभी कंपोनेंट मिलकर के क्या होगा, हमारा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड साइज। आप ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है डिफरेंट साइज के और वेरियस फॉर्म के लिए यूज होता है। इट कैन वेरी फ्रॉम ए हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप। ये यहाँ से अब आपको इम्पोर्टेंट सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं, अब उसको फॉलो करें। देखिए, आएंगे सीधा सीपीयू पे। यहाँ पे पूछा जा सकता है सीपीयू के फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजली रिफर्ड एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपके 70 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से थे, है ना, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ देखिए सेम है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो हमारा क्या होगा, सीपीयू होगा। सभी क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सभी एनसीईआरटी से थे मैक्सिमम, सिर्फ आपका बाकी नेटवर्किंग ही सबको छोड़ के, अभी मैंने नेटवर्किंग को नहीं देखा है। नेटवर्किंग को जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये भी सवाल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मिलता जुलता है। चलिए, इट इज कॉमनली कॉल्ड क्या है, प्रोसेसर। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड इन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड क्या है, आईसी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप इज कॉल्ड। क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आईसी, ऑल ऑफ द एवव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप इज कॉल्ड क्या है, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आप ये अपने कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले अगर आप पेन एंड कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप तैयारी करते ही जाएं। ठीक है, अब देखिए आईसी किससे बना होता है, द आईसी कंप्राइज सेमी कंडक्टर मटेरियल। मतलब कि आईसी जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा। द सीपीयू देन फेचेज द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। बिल्कुल, यहाँ पे सवाल कैसे आ सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे सवाल बीपीसी कैसे तैयार कर सकता है। पहला, कि सीपीयू क्या काम कर सकता है, अर्थमेटिक भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सीपीयू क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बोथ दे कैन परफॉर्म ईजिली। ठीक है, यहां से ये सवाल आ गया। अब देखिए, सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी कॉल्ड क्या है, रजिस्टर। यहां देखिए क्या है, सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। यहां से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्वेश्चन क्या देगा, रजिस्टर की जगह बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, सीपीयू दे देगा, ठीक है, कैज मेमोरी दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी। वह लोकल मेमोरी कौन सा है, तो हमारा रजिस्टर।
ठीक है, फिर से एक बार बोलिएगा, सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर्स। ठीक है, यहां से बिल्कुल आपका एक नंबर अगर पूछा गया तो एक नंबर आपका यहां से फिक्स। चलिए अगला, रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, ये किसका पार्ट है, सीपीयू चिप का पार्ट है, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, इसका साइज भी लिमिटेड है, इसके नंबर भी लिमिटेड है। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अदर देन द रजिस्टर्स द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां निकल गया। देखिए सीपीयू के पास कितने मेन कंपोनेंट्स हैं, तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5, नन ऑफ द एबव, तो आपको यहां बताएंगे कितने मेन कंपोनेंट हैं, टू मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, ALU जिसको कहेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगला क्या है CU जिसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, ये दोनों हमारा CPU का मेन कंपोनेंट्स है, और CPU का CPU के पास कितने मेन कंपोनेंट्स हैं, तो हमारे CPU के पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। ALU का क्या काम है, ALU का काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका कि आप समझ रहे हो कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब क्या, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेगा, लॉजिकल कैलकुलेशंस करेगा, एज पर द इंस्ट्रक्शंस, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यहाँ देखिए ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, जरूर आप कमेंट करेंगे। अब अगला देखिए, जब बोला कि CPU का दो मेन कंपोनेंट्स होगा, एक ALU होगा और दूसरा CU होगा, CU का फुल फॉर्म आपको बता दिया है कि कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ देखिए CU कंट्रोल सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे क्या है कि CU नाम ही है कंट्रोल यूनिट, पूरे सब चीज जितने भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में, सिक्वेंसली कैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये सभी काम कौन करेगा, हमारा CU करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है आप उसे नोट कर लें या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगला देखिए, CPU इज ऑल्सो प्रॉपरली नॉन एज क्या, माइक्रो प्रोसेसर। CPU को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, CPU इज ऑल्सो नॉन एज रजिस्टर, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, एवम वन एंड मोर ऑप्शंस, नन ऑफ दिस, तो इसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा इसका आंसर। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस देखिए जो BPSC 2.0 में है क्वेश्चंस कैसे बनाए गए, सिर्फ और सिर्फ NCERT को अगर आपने फॉलो किया होगा तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही ढंग से बनाया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए बिल्कुल इनपुट डिवाइस, द इनपुट डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। क्या है यहां पे क्या होगा, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे BPSC वाले, तो यहां पे देंगे डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, अगला सी पेरिफेरल डिवाइस, अगला ऑप्शन ई क्या दे सकते हैं, एबव एक से ज़्यादा, अगला ऑप्शन ई जो देंगे नन ऑफ द एबव। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस कैसे यहाँ से बन के निकले, BPSC वाले कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए अगला, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स द इनपुट डेटा सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म।
यहां से ये भी क्वेश्चंस बनेंगे। डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म आर नॉन एज क्या, तो इनपुट डिवाइस दैट इज एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर सिस्टम। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन इटीसी। ये सभी क्या है हमारा इनपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन, ठीक है, इंटरेक्टिव बोर्ड, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी डिवाइसेस हैं ये हमारे किस में आएंगे, इनपुट डिवाइसेस में आएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, स्पेशली डिजाइंड ब्रेली कीबोर्ड आर ऑल्सो नोन एज टू हेल्प द विजुअली इम्प्रेस्ड फॉर इंटरिंग डेटा इन टू द कंप्यूटर। Beside, we can now enter data through voice. For example, we can use Google Voice search to search the web where. अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्यों, आपको ऑलरेडी पता है कि Google Voice का किसका यूज करते हैं। हम वेब पेज पे हम कुछ भी सर्च करना है तो हम किसका यूज करेंगे, Google Voice का यूज करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से बन के निकल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम, एबव वन और मोर, None of the above। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे मेन मेमोरी, या अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया रहे रैम तो हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डेटा विल बी डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द परमानेंट इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। जहाँ पे हमारा परमानेंट डेटा वो सेव होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइसेस था जिसके बारे में जहाँ से क्वेश्चंस बन के निकल सकते थे वो आपको मैं बता दिया। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है जो आपको मैंने बताया, डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू द कंप्यूटर आर टर्नमेज, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरी स्टोर्ड इन मेमोरी, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्या आ सकता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्या है, डिवाइस डेट कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म इज नॉन एज, पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, एबव वन और मोर, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के निकले, यहाँ से आप देख रहे होंगे तीन से चार क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल रहे हैं, टोटल चार क्वेश्चन यहाँ से बन के निकले, ठीक है। अगला, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। जब हम आउटपुट डिवाइस पे आते हैं तो देखिए ये पेज नंबर बिल्कुल दो है, टू, जिसको पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर टू है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक की जरूरत है, इस पूरे पीडीएफ की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये पूरा बुक। चलिए अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस। देखिए, डिवाइस डैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन इटीसी इज कॉल्ड क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, डिवाइस दैट रिसीव्ड डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज, किससे, हमारा कंप्यूटर सिस्टम से क्या होगा, रिसीव करेगा डेटा, तो उसको क्या कहेंगे, हमारा कहेंगे उसको आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला, इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इंटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये देखिए, ये यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। इसका एग्जाम्पल बात करें, मोनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर इटीसी। सम आउटपुट डिवाइसेस आर नॉन, यहाँ पे देखिए, ए ब्रेली डिस्प्ले, जैसे कि एक हमारा क्या था, ब्रेली कीबोर्ड था, उसी प्रकार हमारा ब्रेली डिस्प्ले मोनिटर है, यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन है उनके लिए ऐसा मॉनिटर बनाया गया है। दैट द टेक्सुअल आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, ये किस टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा, टेक्सुअल, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। अगला, ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट द आउटपुट इन द फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म।
हाँ, जैसे कि बात करें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ, जो आपके कंप्यूटर के फॉर्म में कहीं ना कहीं डेटा में स्टोर है, ठीक है। हार्ड कॉपी जब हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, प्रिंटर इज अ मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकली, फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। फिजिकल मतलब क्या, हार्ड कॉपी फॉर्म, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर आर इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पे कौन कौन से कितने टाइप्स के प्रिंटर हैं, तो हमारे तीन टाइप्स के प्रिंटर है, क्या क्या, इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स। बट अभी नाउ के दिन में, करेंट डे में हमारा एक अगला प्रिंटर भी आ गया है, जिसको कहेंगे हम क्या, 3D प्रिंटर, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, उम्मीद है आप देख रहे होंगे। अगर आप नोट्स बनाते जाएं तो साथ में अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसानी होगा। अगला, दिस प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ए प्रिंटर डेट आर यूज फॉर प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट। पहला इंकजेट, दूसरा बी ऑप्शन लेजर जेट, ऑप्शन सी 3D प्रिंटर, अगला ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3D प्रिंटर का यूज कहाँ होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं, जिसका यूज होता है प्रोटोटाइप के प्रोडक्ट का क्रिएशन के लिए। तो यहाँ देखिए क्रिएट क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट। आ रहा होगा समझ में बिल्कुल, उम्मीद है बिल्कुल। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, NCERT को फॉलो करा रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाओ। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके अगले क्लास में मैं आपको इसको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज का यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, डे वन। आप ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले, और वैसे छात्र, वैसे हमारे मित्र जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे YouTube चैनल को, कृपया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।